अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरसाइज से ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले हम देखेंगे ये टर्म मैट्रिक्स क्या है, जो 9th क्लास के स्टूडेंट स्पेशली जो है वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं। मैट्रिक्स में आपको एक लिख के दिखाती हूँ ये किस तरह का होता है। कुछ इस तरह का होता है। ये बेसिकली होता क्या है, आपको एक ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जैसे 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें और 4 लिख लें। इसी तरह आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आप पहले ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9, कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं एक स्पेशल फॉर्म में, ये हमारे पास बनाते हैं एक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले कि मैट्रिक्स में रो किसको कहते हैं, तो हमारे पास दो तरह से होती हैं, एक ये लाइंस और एक ये लाइंस। हमें पता है इन लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो हमारे पास वो एलिमेंट जो इस तरह से हैं, यानी कि 1, 2 एंड 3, 4, ये हमारे पास कहलाती हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स। और जो एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से है वर्टिकल फॉर्म में है, वो हमारे पास कहलाते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स में सबसे दो बेसिक चीज़ें हैं, कॉलम्स की रो, सॉरी मैट्रिक्स की रो और मैट्रिक्स के कॉलम। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वैल्यूज होती हैं वो रोज बनाती हैं, और जो वर्टिकल फॉर्म में होती है वो कॉलम बनाते हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसकी जब आप रो की बात करेंगे तो इसके तीन रो है, एक ये और एक ये। अब इस रो को पढ़ेंगे कैसे, ये पहली रो होगी जिसके एलिमेंट है 1, 4, ये दूसरी रो होगी जिसके एलिमेंट है 2, 6 और ये तीसरी रो होगी जिसके एलिमेंट है 3 और 9। जब आप इसके कॉलम देखेंगे तो ये दो हैं, एक ये और एक ये। जब आप इस कॉलम के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो इस कॉलम एलिमेंट है 1, 2, 3 और दूसरे कॉलम के एलिमेंट है 4, 6 और 3। तो ये हमारे पास होती हैं रोज कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो इस मैट्रिक्स की दो ही रोज थी और दो ही कॉलम्स है, और इस मैट्रिक्स की तीन रोज हैं जबकि कॉलम्स कितने हैं, दो। इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं इसकी रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो। रोज के लिए आपको सिंपली इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में देखना है कितनी बन रही है, तो ये 3 बन रही है। और कॉलम के लिए वर्टिकल वे में तो 1, 2 और 3। तो इसकी 3 ही जो है वो रोज हैं और 3 ही जो है वो कॉलम। अब अगली चीज़ हमारे पास होती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो होता है रो बाय कॉलम। यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली लिखना क्या होता है कि इसकी रोज की तादाद कितनी है और कॉलम की तादाद कितनी है। तो हम जरा इस पहले मैट्रिक्स को देख लेते हैं, इसको इसमें रोज कितनी थी 3 और कॉलम्स भी कितने थे 3। तो इसकी जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या बनेगा, 3 बाय 3। इस तरह अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसकी दो रो और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2। इस मैट्रिक्स को हम देखें तो इसकी 3 रो थी और दो कॉलम थे, तो यहाँ पे रोज की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 बाय और कॉलम्स कितने हैं इसके पास, 2। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आपको उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना ज़रूरी है। रोज पहले आती हैं और कॉलम बाद में आते हैं। ये हमारे पास था पहला कॉन्सेप्ट जो कि था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और अब हम देखेंगे जब एक्सरसाइज की तरफ, तो हमारे पास पहली चीज़ भी यही होगी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। हमें एक सवाल देख लेते हैं, एक्सरसाइज का सवाल है, पहला सवाल, इसमें हमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी। हमने अभी देखा ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला होता है रो बाय कॉलम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास रो की तादाद कितनी है और कॉलम की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेज में होती है वो रोज होती हैं, तो हमारे पास रोज कितनी है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बाय
और अब यहाँ पे मैं कॉलम की तरह लिखनी है, तो कॉलम हमारे पास सिर्फ कितना है एक, तो याद रहेगा 3/1। इसी तरह से आप सारे मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर बता सकते हैं। ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।